15 साल से सेवा कर करके थक गई ली, इनका मदद कर करके कोई फायदा नहीं हो। वो हम भी तो यही कह रहे हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हो कि परीक्षित जी केवल 3.5 दिन तक ठीक से रहे अपने गुरु के सामने और वो तर गए, और तुम खुद ही कह रहे हो कि 10 साल से हम हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो दो ही में गड़बड़ी हो सकती है, या तो चेला गड़बड़ होगा या गुरु गड़बड़ होगा। मैं तो कहता हूं चेला ही गड़बड़ है, गुरु पहचान क्यों नहीं पाते? पहचान लो ना फिर, इतना तो रिश्तेदार पहचानते चल रहे हो, परिवार पहचानते चल रहे हो, टेस्ट पहचानते चल रहे हो, ब्रांडेड जूते पहचानते चल रहे हो, क्यों नहीं पहचान लेते? क्यों नहीं पहचान लेते? क्योंकि अहंकार का, वासना का, लोभ का पर्दा पड़ा है, स्वीकार नहीं कर पाते आप सत्य को। लई भभूत दई के बांध के यहीं पर भी घोषणा कर दें कि 3 महीने में तुम्हारी नौकरी, 3 महीने में तुम्हारा ये काम, 2025 तक तुम्हारा काम हो जाएगा। 2025 तक आते रहो, एक मुर्गा तो फंसा। 10,000 लोग खड़े हैं, 10,000 लोगों को नारंगी फल दे दिया, 10,000 लोग बिना संतान के हैं, जाओ तुम्हारा संतान होगा। 500 का तो होगा, बाकी जाए 9,500, 500 तो अपने बने। जब लोभ में आओगे उनके द्वार पर तो ठगा कोई और नहीं जाएगा, ठगे तुम ही जाओ। लोभ इतना ही हो जीवन में कि मेरी अज्ञानता और मेरी जड़ता को मिटा दो, मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दो, मेरे कोटि सूर्य समप्रभा, मेरे गुरुदेव, मेरे भीतर जो अंधकार है एक दीपक जला दो। ये ट्यूबलाइट जोड़ने वाले जलाने वालों से काम नहीं चलेगा, बाकी ये इंजीनियर, ये सारे लोग कोई जा के ट्यूबलाइट जला रहे हैं, करंट बना रहे हैं, पर गुरु किसको कहते हैं जो तुम्हारे भीतर का दीपक जला दे, और उस दीपक से लाखों करोड़ों दीपक तुम जाके जला। ये दीप जलाने वाले प्रकाश, ज्ञान दीप, ज्ञान प्रदीप, आत्मदीप जलाने वाले हैं। तुम्हारी मांग अगर सही नहीं होगी तो तुम धोखा ही खा के जाओगे। इसलिए इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, तुम क्या मांगने आए हो पहले ये निर्णय करके आओ, क्या चाहिए डिसाइड करके आओ। और एक सच्चा सद्गुरु तुम्हें पक्का यह आश्वासन देता है कि तुम्हारी गलत मांगों को सुनकर भी रख तो लेगा तुमको अपने पास, पर उसका प्रयत्न कुछ और चलता रहेगा। नारद जी ने कहा मुझे विवाह करना है, तान तंबूरा रखो अपना, हम ही बाबा जी हमेशा रहेंगे, इतनी अच्छी हमको मोहिनी मिली, हम इसी से शादी करेंगे, अपना मुंह दे दो भगवान। लेकिन बोलते बोलते एक अच्छी बात निकल गई उनके मुख से, क्या? यही विधिनाथ। संजय, इतनी प्यारी बात है कि जीवन में जब कभी महापुरुष गुरु के पास जाएं, ऋषि के पास, भगवान के पास, जो हृदय में इच्छा है जरूर मांगो, बोलो श्याम बाबा को जो इच्छा हो, व्यापार, बिजनेस, सब, लेकिन अंत में ये जरूर बोल दो यही विधिनाथ होई हित मोरा। हे प्रभु, मुझे पता नहीं कि मैं जिस धन को मांग रहा हूं कहीं उस धन के नीचे छिपा हुआ कोबरा सांप न मुझे डस ले, इसलिए वो तो तुम ही जानते हो। अगर जरूरत हो मेरे लिए, मेरी इच्छा तो ऐसी कहती है, मेरा मन तो ये कहता है, लेकिन मेरा मन कौन है? मेरा मन मंथरा नंबर 1। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा मंथरा कोई है तो कौन है? हमारा अपना मन है। इसलिए प्रभु, हम मनोकामना करने नहीं आए हैं, बल्कि मैं अपनी शुभकामना के लिए आया हूं, मेरे लिए जो शुभ हो वो कर देना, मेरे मन के अनुसार मत करना, यही गुरु के द्वार पर जाकर कहना होता है। तुम तो मनोकामना पूर्ण करवाने आते हो, इसलिए लड़ाई कर लेते हो, झगड़े कर लेते हो, गालियां देके चले जाते हो, सदगुरुदेव भगवान की जय कह के फिर मुर्दाबाद करने लगते हो जाके बाहर कुछ दिन के बाद। अरे हम गईली वहां, कोई चमत्कार नहीं है, कोई सिद्धि फिद्धि नहीं है वहां, कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, तुम्हारी सिद्धि की मैं ऐसी तैसी करूं, सिद्धि सिद्धि कर। जीवन में सिद्धि तो हो नहीं पाए, सिद्धि पाएंगे, चाल चले उल्टी और चाहे सिद्धि, सिद्धि क्या सिद्धि है? सबसे बड़ी सिद्धि क्या है बताओ? सबसे बड़ी रिद्धि समृद्धि क्या है? जीवन का परमानंद, उल्लास, आनंद, हल्का, टेंशन फ्री, तनाव रहित, मौज, वाह वाह रे मौज,
कभी तो रहते महला पीछा, कभी रहते गंगा तीरा जी, वह वह रे मौज। कभी तो खाते हलवा पूरी, कभी खाते गाजर खीरा जी, वह वह रे मौज। तो ये मौज है ना, ये चाहिए। हम जो मांगने आए हैं वो मिलेगा तो हम जानेंगे कि आप में सिद्धि है। हम उल्टी है आवा। गुरु हमेशा उल्टा है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता इतना प्यारा है, वो तो हम कह के भी फंस गए, कह के फंस गए। मुकुल बोली कि ठीक है, हम लोगों को खुशी हो गया कि आप नाराज ही रही है। हमके ले हो। जो भी थोड़ा बहुत मनाती थी वो भी मना कर दी। मैंने कहा गुरु शिष्य से नाराज ही रहता है। नाराज, नाराज का अर्थ है तुम्हारे मन की जो स्थिति है उससे मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे मन की वो स्थिति बनाना चाहती हूं या चाहता हूं जिससे तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाए। हर गुरु अपने शिष्य से नाराज ही है, क्योंकि जिस दिन गुरु राजी हो गया उस दिन शिष्य का काम बन गया। लेकिन शिष्य अगर स्वयं को सदगुरु घोषित कर दिया, आपने कभी हनुमान जी को जीवन में नहीं सुना होगा, कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा। भगवान ने सैकड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार उनको कहा, भरत भाई कपिते उरिन हम नाही, ऐ लक्ष्मण हम इनका क्या चुकता चुकाएंगे। भगवान के जीवन में अगर मनुष्य के रूप में देखोगे तो दो बड़े संकट आए थे। एक तो राज पत्नी चली गई, जनक जी को जवाब देना मुश्किल होता, अरे क्या गए थे, पत्नी को चोरी करा दिया, हमारी बिटिया का चोरी करवा दिया। और दूसरा जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी, भगवान राम मनुष्य के रूप में लिखते हैं उस दिन कि मेरे हृदय कांप गए कि मैं वापस जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, सीता खो दिया और आज भाई भी खो रहा हूं। और तब कौन याद आ रहा है उनको, तब कौन याद आ रहा है, वो प्रपन्न शरणागत लोग याद नहीं आ रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने एक बार सिर्फ ऐसे देखा, ऐ प्रपन्न मेरे हनुमान जा। और हनुमान जी वो हैं जो दवाई तो छोड़ो, पूरा दवाई दुकान उठा के ले आए कि महाराज पता नहीं कौन सी दवाई लग जाए, सब ले आए ठाकुर कीमती कर दीजिए। प्रपन्नता जीवन में उनकी प्रपन्नता, बात बन जाएगी। मैं सत्य कहता हूं, अपनी जिद पर मत रहो। मैं आज कुछ बोलने आया था, मैं कुछ बहका बहका हूं, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, पर मुझे लगता है इससे बेस्ट तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं धारा प्रवाह बोलूंगा, मैं राष्ट्र के ऊपर बोलूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बोलूंगा, मैं किसी एक विषय पर भी धारा प्रवाह बोलूंगा, तुम बाग बाग हो जाओगे, तालियां बजाओगे। पर आज मैं बहका बहका हूं, बहका इसलिए हूं कि वास्तव में जब विदाई का दिन होता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। मुझे भी जब मैं कहीं जाता हूं, मुझे लगता है जिनके साथ मेरे इतने प्राचीन संबंध हैं, सारे बच्चे मेरे अपने हैं, तो लगता है कौन सा ऐसा मोती दे दूं, कौन सा ऐसा ट्रिक दे दूं, कौन सा ऐसा सूत्र दे दूं कि काम बन जाए। तो चाह के भी बहुत सारे नए विषयों पर चर्चा करना, संस्कृति पर चर्चा करना, भारत की व्यवस्था पर चर्चा करना, सब भूल जाता हूँ, वो सब पीछे है। ये जो सामने मेरे प्यारे बैठे हैं, इनके दिल में अगर आनंद आ गया, खुशी आ गई, मौज आ गई, तो जीवन सफल है, सार्थक है। न जाने ये जले हुए प्रदीप, ये दीपक कितने दीपकों को जला देंगे। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के बाद हर कोई बहक जाता है।